फ्रेंड्स, अगर आप भी फूलों के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ फूलों से रिलेटेड। तो आप देख रहे होंगे इसमें बम्बल भी बैठे हुए हैं, भौरे काफ़ी फूलों को अच्छे बना करके रखते हैं। और पौधों को जब भी आप लगाते हैं तो धूप में ज़रूर रखें, क्योंकि जितना भी आप खाद देते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें फुल सनलाइट में फूलों को रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो आसानी से हमारी फ्लावरिंग हो जाती है और पूरे पौधे मेरे फूलों से भरे हुए हैं। मैं डेली पूजा के लिए भी इनमें से तोड़ती हूँ और काफ़ी सारे फूल सूख जाते हैं, उन्हें तोड़ कर अलग कर देना चाहिए। तो इन फूलों को तोड़ने में थोड़ा मैंने इस बार लेट कर दिया, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ गई थी फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने इन्हें तोड़ने में लेट कर दिया है। और आप बिल्कुल भी लेट ना करें तोड़ने में, क्योंकि जो फूल ख़राब हो जाते हैं पौधे में लगे रह जाते हैं तो हमारा पौधा ख़राब होने लग जाता है। तो इससे बचाने के लिए फ्रेंड्स हमें फूल जो सूख जाते हैं उन्हें हटाते रहना चाहिए, ताकि नए नए फूलों को निकलने के लिए जगह मिले और हमारा पौधा ख़राब होने से बचा रहे फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप इन फूलों से बीज तैयार कर सकते हैं और हर साल नए नए फूल के पौधों से बीज तैयार करें, क्योंकि पुराने बीज हो जाने से वो अच्छे से नहीं उग पाते हैं। तो आप जब नया पौधा लगाते हैं तो उन्हीं फूलों के बीजों को अच्छे से सुखा करके रखें, ये बीज हैं, और सूखने के बाद ही ये अच्छे से तब तैयार होते हैं फ्रेंड्स। तो इन बीजों को अच्छे से सुखा लेंगे और सुखाने के बाद अलग अलग करके रख देंगे, ताकि पता रहे ये फूल कौन से फूल हैं। तो इस तरह से मेरे यहाँ काफ़ी सारे फ्लावर हुए हैं और देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और हमारे आसपास के वातावरण को भी ये शुद्ध रखते हैं, क्योंकि इससे मच्छर मक्खी दूर रहते हैं और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है घर के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है फ्रेंड्स। तो इन पौधों को ज़रूर लगाएं। ये जाफरी गेंदा है और इनमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है फ्रेंड्स। तो इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें, क्योंकि अगर आप अपने टेरेस गार्डन में या गार्डन में सब्जियाँ वगैरह लगाते हैं तो इससे हमारे यहाँ मधुमक्खी अट्रैक्ट होती हैं, मधुमक्खियों से हमारे यहाँ सब्जियों का फल अच्छा निकलता है। तो इस तरह से ये हमारे यहाँ फूल ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो रहे हैं। मैंने इसे फुल सनलाइट में रखा है टेरेस गार्डन में, तो जितने फ्लावर होते हैं उन्हें हटाती रहती हूँ और पानी देती रहती हूँ, ज़्यादा खाद मैं बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। जो मेरे यहाँ सब्जी और आलू के छिलके होते हैं उन्हें ही मैं पानी में भिगो करके सड़ा करके उसे ही पानी में डाल करके पौधे में छिड़काव करती हूँ, ऊपर से भी और जड़ में भी डाल देती हूँ। तो मेरे पौधे काफ़ी खूबसूरत फ्लावर देते हैं और इस तरह से ये बीज मैंने सुखाए हैं और आगे जब सूख जाएंगे तो इन्हें पूरा आपको अभी ज़रूर दिखाऊंगी। अब दूसरा वीडियो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये फ्लावर काफ़ी सारे फिर से हो चुके हैं, क्योंकि जब हम नए फूल को पुराने फूलों को नहीं तोड़ते हैं तो नए फूलों की जगह नहीं मिल पाती है, इसलिए पुराने फूलों को तोड़ते रहना चाहिए। और देखिए काफ़ी सारे फूल और खिल गए हैं। जो हम पौधे को कटिंग्स लगाते हैं वो छोटे में ही फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं, तो ये आसानी से कटिंग से भी तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो बालू मिट्टी में लगाएं, क्योंकि बालू मिट्टी में हमारे पौधे आसानी से तैयार हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से ये बीज सूख करके तैयार हो गए हैं और इन्हें तोड़ तोड़ करके अलग करके रख देते हैं, अच्छे से सूख गए हैं, ये पौधे आसानी से उगाएंगे और बीजों को बालू मिट्टी में डालेंगे तो अच्छे से उगाएंगे। और उसके बाद ही जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं, चार चार पाँच पाँच इंच के, तभी उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। और यहीं पे मैंने गोमफेराना के भी फूल रखे हैं, तो इन्हें भी इस तरह से सुखा करके मिट्टी में डाल देने से पौधे उगाते हैं फ्रेंड्स।